लंग्स कैंसर के प्रमुख कारणों में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन और शराब का सेवन। तो ये दोनों ऑलमोस्ट 90% केसेस में एसोसिएटेड होते हैं लंग कैंसर से। उसके अलावा अगर हम दूसरे कारण देखें तो बचपन में किसी बच्चे ने लिम्फोमा नाम की जो एक बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है, उसके लिए अगर किसी ने छाती के रीजन में रेडिएशन एक्सपोजर लिया हुआ है, रेडिएशन थेरेपी या जिसे आम भाषा में हम किरणें बोलते हैं, तो अगर किसी ने रेडिएशन थेरेपी का एक्सपोजर हुआ है तो उन्हें भी 20 से 25 साल बाद लंग्स या छाती का किसी और कैंसर होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर हम तीसरा रीजन देखें तो वो होता है रेडॉन गैस का एक्सपोजर। रेडॉन गैस एक ऐसी गैस है जो बहुत सारी फैक्ट्रीज में क्रिएट होती है, मशीनरीज, वुड इंडस्ट्रीज, परफ्यूम इंडस्ट्रीज। ये रेडॉन गैस भी लंग कैंसर का एक कारण हो सकती है। और अगर चौथा हम कारण देखें तो हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर्स। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका हम मनुष्यों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये जिसे होना होगा हम उसे रोक नहीं सकते हैं, और ये हमें विरासत में यानी कि हमारे फैमिली के थ्रू ये जीन्स रन करते हैं और ये हमें थ्रू हेरिडिटरी फैक्टर्स हमारे बॉडी में ये ट्रांसफर होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम होता है लगातार ना मिटने वाली खांसी होना। यदि किसी को 2-3 हफ्ते से ऐसी खांसी हो रही है जिसमें खून भी आ रहा है और वो मिट भी नहीं रही है किसी दवाई के लेने के बाद भी, तो उन्हें अवश्य अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए और छाती का चेस्ट एक्सरे या फिर सीटी स्कैन कराना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर के। और अगर हम एडवांस स्टेज में देखें, एडवांस स्टेज यानी कि स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर जिसमें वो मिट नहीं सकता है, उसमें कुछ पेशेंट्स को बीमारी छाती तक फैलने के कारण छाती में पेन हो सकता है, किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कम काम करके सांस फूल जाना, वो भी एक सिम्टम होता है लंग कैंसर का जो कि एडवांस स्टेजेस में देखने मिलता है। और दूसरा एक सिम्टम है कॉन्स्टेंट हेडेक होना, लगातार हेडेक होना, सुबह उठ के खासकर ज्यादा हेडेक होना, तो ये तब होता है जब लंग कैंसर ब्रेन में फैल गया हो। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एडवांस स्टेजेस में ही देखने मिलते हैं, बट मुख्य सबसे प्रमुख कारण है खांसी में खून आना और लंबे टाइम तक खांसी रहना। स्मोकिंग की बात करें, स्मोकिंग यानी कि किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग, वो सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है, बीड़ी स्मोकिंग भी हो सकती है। तो ऐसे लोग जो डेली 15 से 20 सिगरेट पिछले 20 से 25 सालों तक लेते आ रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा रिस्क होता है लंग कैंसर होने का। और जिन्होंने 15 साल के अंदर बीड़ी सिगरेट छोड़ा हुआ है वो भी लंग कैंसर के लिए रिस्क की हो सकते हैं। मतलब 15 साल से ज्यादा अगर छोड़ा है तो हम बोल सकेंगे कि उन्हें कैंसर की चांसेस अब कम है, लेकिन 15 साल के अंदर छोड़ा हुआ तो भी उन्हें लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा शराब भी बहुत ही मुख्य कारण है, ना कि सिर्फ लंग कैंसर का बल्कि हमारे शरीर में 15 से 20 ऐसे कैंसर हैं जिनका रीजन शराब और सिगरेट या बीड़ी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल साधारण छाती का एक्सरे लेके आते हैं, तो अगर लंग कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में है तो उसमें हमें चेस्ट एक्सरे में पानी भरा हुआ दिख सकता है छाती में, या फिर बड़ी गांठ भी एक ओपेक रेडियो ओपेक शैडो के रूप में दिख सकती है। लेकिन अगर कोई छोटा कैंसर है 2 या 3 सेंटीमीटर का, तो उसको हम सिर्फ सीटी स्कैन के थ्रू या पेट स्कैन के थ्रू ही डायग्नोस कर सकते हैं। और एक बार अगर हमें सीटी स्कैन में ये दिख गया कि छाती में कोई गांठ है जो कि सस्पिशियस है फॉर लंग कैंसर, तो फिर हम उसका सीटी गाइडेड बायोप्सी करवाते हैं और फिर बायोप्सी में ही 100% हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये लंग कैंसर है। लंग कैंसर बाकी कैंसर से ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव करता है, ये एक थोड़ा खराब कैंसरों में आता है जैसे कि लंग कैंसर या अन्य नाड़ी के कैंसर। ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जो कि खराब कैंसर कहलाते हैं और जिनमें पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस या ओवरऑल क्योर होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो अगर 100 लोगों को अगर हमने ट्रीट किया है तो उसमें से 5 साल के एंड में 40 से 50% ही जिंदा रह पाएंगे, बाकी के 50 इस बीमारी के कारण मर चुके होंगे क्योंकि बीमारी ट्रीटमेंट के बाद वापस आ सकती है। तो इसका इलाज बाकी कैंसर की तरह कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी, ये तीनों तरीकों से हो सकता है। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में है, लंग कैंसर फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज और कुछ कुछ थर्ड स्टेज, तो उसमें ऑपरेशन या सर्जरी इसका मेन ट्रीटमेंट है, मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आगे की स्टेजेस में है स्टेज 3 या स्टेज 4, तो उसमें कीमोथेरेपी दे के फिर ऑपरेशन या फिर कीमोथेरेपी अलॉन्ग विथ रेडिएशन थेरेपी, कीमो एंड रेडिएशन थेरेपी, ये दोनों को साथ में हम यूज करके भी
इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में कोई लंग कैंसर पकड़ा गया तो उसके लिए मैंने जैसे बताया कि सर्जरी सबसे मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो अब लंग कैंसर के लिए सर्जरी दो टाइप की हो सकती है, या तो एक लंग कैंसर सपोज राइट साइड के ऊपर वाले भाग में है तो उसमें हम लोबेक्टमी सर्जरी का नाम होता है, लोबेक्टमी हम कर सकते हैं, मतलब कि हमें सिर्फ राइट साइड का ऊपर का भाग निकालना है, आधा भाग ही निकालना है। और अगर कैंसर की गांठ बहुत बड़ी है तो उसमें हमें न्यूमेनेक्टमी करना पड़ सकता है, न्यूमेनेक्टमी यानी कि राइट साइड का पूरा लंग निकालना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लंग का थोड़ा ही पार्ट निकाल रहे हैं तो उसमें पेशेंट को रिकवरी में आसानी होती है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, वो नॉर्मल आम आदमी की तरह अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं, ऑपरेशन के पहले जैसे थे वैसे बाद में रह सकते हैं। लेकिन अगर हमने न्यूमेनेक्टमी करी है यानी कि राइट साइड का पूरा लंग निकाल दिया है तो फिर डेफिनेटली पेशेंट को थोड़ा सा जल्दी सांस फूल जाना या उतना एक्सर्शन या एफर्ट्स नहीं कर पाना जो कि वो पहले कर सकते थे, ये डेफिनेटली हमें सिम्टम्स एक चेंजेस उनकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। बट ये भी हम अपना एफर्ट टॉलरेंस एक्सरसाइज करके हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्हें करनी है कि दोबारा सिगरेट या बीड़ी या अल्कोहल वापस स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी रिसर्चेस में देखा गया है कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद अगर कोई पेशेंट बीड़ी और सिगरेट कंटिन्यू रखता है तो उसमें कैंसर जल्दी वापस आता है एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने टोटली छोड़ दिया है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज हमें ध्यान रखना ही है। और उसके अलावा हमें रेगुलर हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट का सेवन करना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि अपना योगासन हो गया, वॉकिंग हो गई, नॉर्मल जिमिंग हो गया। सो ये अगर हम दो तीन चीजों का ही ख्याल रखते हैं तो आप कैंसर को वापस आने से डेफिनेटली रोक सकते हैं। प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि हम बीड़ी सिगरेट और शराब का सेवन ना करें। उसके अलावा फीमेल्स में स्पेशली हमने देखा है कि स्मोकिंग की अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं होता है तो भी उनमें एडिनोकार्सिनोमा टाइप ऑफ लंग कैंसर ज्यादा कॉमन होता है। इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये इट इज डिसाइडेड बाय आवर जीन्स, जेनेटिक फैक्टर्स के कारण ये कैंसर होता है फीमेल्स में जो कि अल्कोहल और बीड़ी सिगरेट नहीं ले रही। उसके अलावा जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं तो उनके लिए लंग कैंसर स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज है जिससे हम कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं जबकि उसने कोई सिम्टम्स कॉज नहीं किया। तो लंग कैंसर स्क्रीनिंग हम लो डोज सीटी स्कैन के थ्रू करते हैं और इसके इंडिकेशंस होते हैं 50 से 80 साल के ऐसे नॉर्मल लोग जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है और जो पिछले 15-20 साल से डेली 15 से 20 सिगरेट या बीड़ी का कंजम्पशन कर रहे हैं। सो ये कैटेगरी के जो लोग होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में जिन्हें अभी तक कोई सिम्टम नहीं हुआ है उनका हम लंग कैंसर सीटी स्कैन के थ्रू स्क्रीनिंग करके कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं और हम उसे फैलने से रोक सकते हैं।